बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ हैं, ए डीजल जनरेटर बर्न्स फ्यूल एट द रेट ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/48 300 बाई एक्स प्लस 2x गैलन पर आवर। मतलब एक घंटे में इतना गैलन पर आवर का खर्चा है फ्यूल, ठीक है, इतना गैलन है एक घंटे में, इतना गैलन है व्हेन प्रोड्यूसिंग 1000 किलोवाट आवर, इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सपोज दैट फ्यूल कॉस्ट $2.25 ए गैलन, एक गैलन का खर्चा $2.25 है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट लीड्स टू मिनिमम टोटल कॉस्ट इफ द जनरेटर इज ऑपरेटेड फॉर 32 आवर। इसका मतलब ये है कि एक घंटे में इतना गैलन खर्च करता है, एक गैलन का खर्चा $2.25 है आवर, 32 घंटे के लिए, 32 आवर्स के लिए हम इसको चलाते हैं, रन करते हैं। तो मिनिमम कास्ट मालूम कर ले और एक्स मालूम कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल कास्ट सी ऑफ एक्स मालूम करते हैं, टोटल कास्ट सी ऑफ एक्स। तो ये गैलन पर आवर क्या है, 1/48 इंटू 300 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2x आवर कास्ट पर गैलन। तो हमारे साथ है $2.25 आवर 32 आवर के लिए, ये तो एक घंटे के लिए हो गया, तो 32 आवर के लिए मतलब 32 से मल्टीप्लाई कर ले, तो टोटल कास्ट ये हमारे साथ आ जाएगा, सी ऑफ एक्स हमारे साथ आ जाएगा 16 2 32 और 16 3 48, ठीक है। और इसके अलावा 2.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2.25 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 2 5 ज़ार 10 2 2 ज़ार 4 5 2 2 ज़ार, तो इसे आता है 4.5 डिवाइड बाई 3 और 300 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2x। अब ये हमारे साथ अगर ये पॉइंट हम ख़त्म करते तो इस पॉइंट की जगह हम ये पॉइंट अगर हम ख़त्म करते तो इसकी जगह हम यहाँ 10 लगाते, तो ये 30 ये 45, तो 45 बाई 30 से 3/2 आता है, तो सी ऑफ एक्स हमारे साथ आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 और 300 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2x। तो अब इस सी प्राइम एक्स हम मालूम करते तो सी प्राइम एक्स हमारे साथ आ जाएगा 3/2 और जहाँ पे डायरेक्ट लिमिट डेरिवेटिव मालूम करता हूँ, तरीका आप लोगों को मालूम है, 300 ये एक्स पावर -1 है तो -1 आगे आ जाएगा और -1 एक डिक्रीज हो जाएगा और प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 है, तो सी प्राइम एक्स हमारे साथ आ जाएगा 3/2 इंटू -300 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर और प्लस 2 -300 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2। तो अगर इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर लूँ या डायरेक्टली एक्स मालूम करने के लिए आप यहाँ सी प्राइम एक्स की जगह 0 पुट कर ले, पुट सी प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे साथ बन जाएगा 3/2 इंटू -300 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाई दिस टर्म कर, ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, तो -300 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -2, या इसका रेसिप्रोकल ले ले तो एक्स स्क्वेयर और मल्टीप्लाई बाई -1 कर, ये माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा और एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 300 इज इक्वल टू 1/2, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 300 तो एक्स स्क्वेयर हमारे साथ आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 2 या एक्स हमारे साथ आ जाएगा 150 एक्स स्क्वेयर, टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड तो एक्स हमारे साथ आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 150। एक्स हमें पता है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एज एक्स ग्रेटर देन जीरो सो एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 150। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए सी प्राइम एक्स का आप दोबारा डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, तो सी डबल प्राइम आप एक्स हम मालूम करेंगे, ठीक है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट सी डबल प्राइम ऑफ एक्स, तो ये हमारे साथ आ जाएगा
3 बाई टू और d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, तो ये हमारे साथ डायरेक्टली मैं डेरिवेटिव मालूम करता हूँ, तो माइनस 300 एक्स पावर 2 जब ऊपर आ जाए तो माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 आगे आ जाएगा और माइनस 2 एक डिक्रीज मतलब माइनस 3 हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, तो c डबल प्राइम ऑफ x आ जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और माइनस माइनस से ये माइनस माइनस से प्लस आता है और 3 मल्टीप्लाई बाई 100 से 300 से 900 आता है, 900 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर ले 150 फुट, x इज इक्वल टू अंडर द रूट 150, तो c डबल प्राइम ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा 900 डिवाइड बाई अंडर द रूट 150 होल क्यूब। अब इसको आप कैलकुलेट कर ले, इसका आंसर जो भी आए लेकिन ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। सो c डबल प्राइम x इज मिनिमम कास्ट एट x इज इक्वल टू अंडर द रूट, मिनिमम इसलिए है कि डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ गई। अब वो मिनिमम कास्ट मालूम कर लें, तो फॉर मिनिमम कास्ट फुट x इज इक्वल टू अंडर रूट 150 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन में यहाँ पे हमने एक इक्वेशन मालूम किया था, इक्वेशन हमारे साथ ये था, मैं दोबारा लिखता हूँ, सी ऑफ x इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैलन 2.25 मतलब 2.25 आवर 32 आवर्स और इस इक्वेशन को 300 बाय 1/48 इनटू 300 बाय x प्लस 22 एक्स, हमने मल्टीप्लाई किया था तो इससे आया था 3 बाई टू 300 बाय x प्लस 2x। तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम कास्ट मिनिमम कास्ट मालूम करने के लिए इस इक्वेशन में x की जगह 1/150 पुट कर ले, पुट x इज इक्वल टू अंडर द रूट 150 फॉर मिनिमम कास्ट, तो ये हमारे साथ आ जाएगा c x इज इक्वल टू 3/2 और 300 डिवाइड बाय 150 अंडर द रूट क्यूब प्लस 2 इनटू अंडर द रूट 150, तो ये हमारे साथ बन जाएगा c ऑफ x इज इक्वल टू 3/2, यहाँ से 300 क्यूब है तो स्क्वायर से एक 150 बाहर आ जाएगा और अंदर 150 रह जाएगा और प्लस 2 इंटू अंडर द रूट 50, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 6, ये हमारे साथ आ जाएगा 6/2, इसे कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है, 3/2 और 2 डिवाइड बाई अंडर द रूट 150 और प्लस 2 इंटू, तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 73.48। इस अगर आप सॉल्व कर ले तो इससे आता है 73.48, ठीक है। तो हमारे साथ मिनिमम कास्ट इज इक्वल टू $73.48, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।